हाय गाइस, दिस इज कबीर फ्रॉम माय ऑटोइम्यून केयर। आज हम बात करेंगे व्हाई वी कांट स्टॉप अर्थराइटिस, या मैं बोलूं हम अर्थराइटिस को क्यों नहीं रोक पा रहे। मैं आपके साथ सारे वो फैक्टर्स शेयर करूंगा जिनकी वजह से अर्थराइटिस को रोकना मुश्किल होता है, और मैं ट्राई करूंगा कि जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊं वो प्रूफ्स के बेसिस पर बताऊं, और इसीलिए मैंने रिसर्च पेपर्स को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंटली अर्थराइटिस वर्ल्ड वाइड एक लीडिंग कॉज है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का, और पूरी दुनिया में 35 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अर्थराइटिस से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो ओवरऑल 18 करोड़ अर्थराइटिस पेशेंट्स इंडिया में हैं, और हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा नए अर्थराइटिस के केसेस इंडिया में आते हैं। आई एम श्योर जिस किसी को भी अर्थराइटिस है उसके दिमाग में एक बार ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या कारण है कि हम अर्थराइटिस को रोक नहीं पा रहे या इसे क्योर नहीं कर पा रहे। जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने तो बहुत तरक्की कर ली है मेडिकल साइंस के फील्ड में, और हमने तो स्पेस तक में झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम अर्थराइटिस को रोकने में सक्षम नहीं हैं। इस बात को समझने के लिए हमें अर्थराइटिस को समझना होगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी से एक कंपैरिजन दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अर्थराइटिस किस हद तक दुनिया भर में फैल चुका है। सो ये है USA, जिनकी करंट पॉपुलेशन है 32.57 करोड़, और ये दुनिया की थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया और चाइना के बाद। और वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ से भी ज़्यादा अर्थराइटिस पेशेंट हैं, जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री USA से भी ज़्यादा है। तो देख लीजिए आप अर्थराइटिस किस हद तक दुनिया भर में फैल चुका है। चलिए मैं अब आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अपनी पूरी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जर्नी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा विथ ऑल टेस्ट रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरी एज 26 ईयर्स है, और मेरे पास एक स्पेशल जीन है जिसे कॉमनली HLA-B27 कहते हैं, और इस जीन की वजह से मुझे एक रेयर डिसऑर्डर है जिसे हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। मैं इस बीमारी के साथ पिछले 12-13 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ये बीमारी मुझे तब से है जब मैं सिर्फ 14 साल का था, और सबसे बुरा वक्त तब आया जब लास्ट ईयर में इस बीमारी की वजह से खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया, और मुझे 2-3 लोगों का सपोर्ट लेना पड़ रहा था बस 2-3 कदम चलने के लिए भी, और मैं 3-4 महीनों के लिए कम्प्लीटली बेड रेस्ट पर था। पर पिछले 6-7 महीनों से बिना किसी कन्वेंशनल मेडिसिन के मैं कम्प्लीटली सिम्टम फ्री लाइफ जी रहा हूँ, और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो है सब लोगों को ऑटोइम्यून कंडीशन से छुटकारा दिलाना। और अगर मेरी वीडियो से किसी एक इंसान को भी फ़ायदा होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना वर्थ है। मैं इतने सालों के खुद के एक्सपीरियंस से उन लोगों को जो किसी भी ऑटोइम्यून कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं बस 2 रूल फॉलो करने को कहूँगा। पहला, डोंट बिलीव उन लोगों पर जो बोलते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो आप अपनी तरफ से ट्राई ही नहीं करोगे बीमारी से बाहर निकलने के लिए, और एक माइंडसेट बना लोगे कि यह बीमारी तो कभी सही नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं, जो लोग ये मान लेंगे कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है वो लोग इस बीमारी से कभी बाहर नहीं निकल सकते, और ऐसा मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सच में होता है। एक बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और ये बुक मैंने आज से 3-4 साल पहले पढ़ी थी, और इस बुक के अंदर काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है जिनमें लोगों के साथ रियल लाइफ में वो घटनाएं घटी जिनको वो अपने दिमाग में बार बार रिपीट किया करते थे। और इसी बुक में एक स्टोरी थी एक पिता की,
जिसकी 12-13 साल की बेटी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस था। और शायद आप सबको पता ही होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसका कोई इलाज नहीं, और इसीलिए वो पिता जब भी अपनी बेटी को दर्द में देखता था तब खुद से कहता था कि अगर मेरी बेटी की बीमारी सही हो जाए तो उसके लिए मैं अपना राइट हैंड तक कटवा सकता हूँ। और एक दिन वही हुआ जो वो खुद से रोज कहता था। जब वो ऑफिस से घर आ रहा था तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड चला गया, और फिर कुछ समय बाद उसकी बेटी की बीमारी भी ठीक हो गई। और आप चाहो तो ये किताब पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसी किताबें पढ़ने से हमें होप मिलती है और लाइफ में होप रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में अपनी बीमारी से छुटकारा पाना है तो दुनिया में किसी और से पहले आपको खुद यकीन करना होगा कि आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हो, और यही आपकी रिकवरी की तरफ पहला कदम होगा। और दूसरा रूल है, डॉक्टर्स को भगवान मानना छोड़ दीजिए। मुझे डॉक्टर से कोई पर्सनल इशू नहीं है, पर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद सारा बर्डन उसके सर पर डाल देते हैं और सोचते हैं आपका काम ख़त्म हो गया, आपने तो दिखा लिया डॉक्टर को, अब डॉक्टर का काम है इलाज करना। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऑटोइम्यून डिजीज़ का ट्रिगर कोई भी डॉक्टर 2-3 मिनट में नहीं ढूंढ सकता। 2-3 मिनट में डॉक्टर कैसे पता लगा लेगा आपकी लाइफस्टाइल का, आपके एनवायरनमेंट का, आपकी हैबिट्स का? और इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो हमें कम से कम 1 हफ्ता तक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, पर इतना टाइम ना हमारे पास होता है ना ही डॉक्टर के पास। तो बेस्ट सॉल्यूशन है आप खुद के सिम्टम्स और बीमारी पर ध्यान दें और अपने ऑटोइम्यून ट्रिगर को ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप लोग रेडी हो ये 2 रूल फॉलो करने को, तो बिलीव मी, आप पक्का क्योर करोगे अपने डिसऑर्डर को। और मैं आपके साथ हूँ कम्प्लीटली 100% और रेडी हूँ आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर करने को, और मेरे खुद का एक्सपीरियंस शायद आप लोगों के भी काम आए। और गाइस, मुझे एग्जैक्टली पता है तब क्या फील होता है जब डॉक्टर आपसे बोलता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसे बस कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके लिए आपको लाइफ टाइम दवा खानी होगी। मुझे पता है उस मोमेंट में हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हम कितना डिप्रेस हो जाते हैं, हम कितना हेल्पलेस फील करते हैं, और अंदर से हम कितना घुट रहे होते हैं, और हम कोसते हैं अपनी किस्मत को और बार बार यही सवाल करते हैं खुद से कि क्यों पूरी दुनिया में बस मुझे ही ये बीमारी हुई। और ऐसी चीज़ें सोच सोच के हम काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ में। चलिए अब थोड़ा अर्थराइटिस को समझ लेते हैं। अर्थराइटिस, जिसे हम हिंदी में गठिया कहते हैं, बहुत कॉमन है इंडिया में, पर लोग इसे इतना अच्छे से नहीं समझते। ज़्यादातर इसे ओल्ड एज और कमजोरी के कारण होने वाली बीमारी के रूप में देखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि जोड़ों में होने वाली 100 से भी अधिक बीमारियों को एक नाम दिया गया है, जिसे हम अर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। इसके होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इम्यून सिस्टम का सही तरीके से काम ना करना। असल में इम्यून सिस्टम का काम है हमारे शरीर को हेल्दी रखना और बॉडी को हार्म करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करना। पर जब इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता और वो हमारी बॉडी पर ही अटैक करता है, और उसी कारण हमें जॉइंट पेन और स्वेलिंग आती है। मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो अर्थराइटिस के अंदर आती है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रिएक्टिव अर्थराइटिस। अब चलिए मैं आपको वो कारण बताता हूँ जिनकी वजह से हमारे लिए अर्थराइटिस को रोकना, या मैं कहूँ उससे छुटकारा पाना, मुश्किल हो जाता है। पहला है जेनेटिक फैक्टर, और मोस्टली डॉक्टर यही कारण बताते हैं बीमारी के होने का। जेनेटिक फैक्टर को बीमारी का कारण तब कहा जाएगा जब आपकी बीमारी का कारण आपके जेनेटिक्स हों, और ऐसा तब होता है जब आपके पेरेंट्स को कोई ऑटोइम्यून कंडीशन हो और वो जेनेटिकली आप पर ट्रांसफ़र हो गई हो, मतलब जो बीमारी आपके पेरेंट्स को थी वही बीमारी आपको है,
और हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जेनेटिकली बीमारी पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र हो सकती है, पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को वो ऑटोइम्यून कंडीशन हो जो उसके पेरेंट्स को थी। और कुछ केसेस में बीमारी बच्चों तक ट्रांसफ़र होती है और कुछ केसेस में नहीं होती। और दूसरा कारण है हमारे खाने के साथ हमारे पेट तक पहुंचने वाले केमिकल्स, जिनको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम मिस फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, पर हमारे खाने में डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल के लिए फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करने के लिए फूड एडिटिव, कलरिंग और फ्लेवरिंग के लिए केमिकल्स को मिलाया जाता है, और ये केमिकल सीधा हमारे पेट में जाते हैं। एक और बड़ा कारण है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। इसमें प्लांट के जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है उनमें एनिमल्स के जीन्स को मिलाकर, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का फार्मिंग में इस्तेमाल करने से ज़्यादा मात्रा में फसल उगाई जा सकती है और फसल की मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है कंपेयर टू नेचुरल फार्मिंग। पर जीएम फूड की खेती करने से हम लोग क्वालिटी की जगह क्वांटिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आइटम्स को गवर्नमेंट ने अभी तक लीगलाइज नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात पर हम ज़्यादा खुश नहीं हो सकते क्योंकि लीगलाइज नहीं होने के बावजूद भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। मोस्टली जो फॉरेन के फूड आउटलेट्स इंडिया में हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC वगैरह, इनके थ्रू हम लोग GM फूड कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में GM फूड लीगलाइज है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसर्च क्या कहती है फार्मिंग में केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज़ के बारे में। तो मैं आपके साथ NCBI का एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर शेयर करूँगा, जिसमें ये देखा गया है कि वो फार्मर्स जो ज़्यादा टाइम तक फार्मिंग के लिए केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, होने का रिस्क बढ़ जाता है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये एक ब्रांच है US के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, और दुनिया भर से डॉक्टर्स अपने रिसर्च पेपर्स को NCBI में सबमिट करते हैं। तो NCBI के रिसर्च पेपर्स पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो फुल स्टडी को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये स्टडी 4 फेज में हुई है, जिसमें पहला फेज 1993 से 1997 तक, दूसरा फेज 1999 से 2003 तक, तीसरा फेज 2005 टू 2010 तक, और चौथा और आखिरी फेज 2013 से 2015 तक चला। इस स्टडी में 52,394 पेस्टिसाइड्स यूज़ करने वाले फार्मर्स को एक फॉर्म दिया गया, और वो उन्हें तब दिया जाता था जब वो अपना पेस्टिसाइड यूज़ करने का लाइसेंस रिन्यू करवाने आया करते थे, और इस फॉर्म में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इन फार्मर्स को 1993 से 2015 तक फॉलो किया गया, पर स्टडी के दौरान काफ़ी फार्मर्स ने फॉर्म वापस नहीं किया, काफ़ी ने आंसर नहीं किया, कुछ दोबारा लाइसेंस रिन्यू करवाने नहीं आए, और काफ़ी फार्मर्स को स्टडी पूरी होने से पहले ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ गए। स्टडी पूरी होने पर टोटल 26,134 फार्मर्स थे जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं थे, और 220 ऐसे फार्मर्स थे जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स देखे गए, और ये वो फार्मर्स थे जिनमें पहले फेज के दौरान रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। जैसा कि आप कंक्लूजन में देख सकते हैं, इस स्टडी में क्लियर एविडेंस मिले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पेस्टिसाइड एक्सपोजर के बीच।
तो हम कह सकते हैं कि ऑटोइम्यून कंडीशन का कारण हमारे खाने के साथ हमारे पेट तक पहुंचने वाले केमिकल्स भी हो सकते हैं। तीसरा कारण है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, जिसे हमने हद से ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है। उसमें ह्यूमन वेस्ट, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डालकर। वैसे तो आज हमारे ड्रिंकिंग वाटर में काफ़ी केमिकल्स हैं जो नहीं होने चाहिए, पर जो सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है वो है आर्सेनिक। और आर्सेनिक की मात्रा ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ने का क्रेडिट भी हम ही लोगों को जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए, और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक बड़ा कारण है ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने का। हालांकि आर्सेनिक के नेचुरल डिपॉजिट्स भी हैं अर्थ में, और वो भी एक कारण है ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक की क्वांटिटी बढ़ाने का। हमारी ह्यूमन बॉडी 60% से भी ज़्यादा पानी से बनी है, और ऐसे में अगर हमारा ड्रिंकिंग वाटर ही पॉल्यूटेड होगा तो क्या लगता है आपको बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? 80 से भी ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज़ इंक्लूडिंग क्रॉन्स डिजीज़, मल्टीपल सिलोरेसिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए पॉल्यूटेड वाटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अब चलिए देख लेते हैं रिसर्च क्या कहती है वाटर पॉल्यूशन और ऑटोइम्यून कंडीशन के बारे में। ये अपने इंडिया का रिसर्च पेपर है जो NCBI में सबमिट किया गया था 2012 में। तो इस रिसर्च में जानने की कोशिश की गई है कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक की मात्रा हमारा रिस्क बढ़ाती है ऑटोइम्यून डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का। आर्सेनिक एक नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेंट है, और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वेस्ट बंगाल के 2.6 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है। ये स्टडी को मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया गया, जो कि एक हाईली कंटेमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। स्टडी के लिए लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें पहले ग्रुप में 103 लोग थे, और ये लोग वो थे जो काफ़ी लंबे समय से आर्सेनिक से एक्सपोज थे, और दूसरे ग्रुप में 107 लोग थे, और ये वो लोग थे जो आर्सेनिक से एक्सपोज नहीं थे। और फिर चुने हुए लोगों पर कुछ टेस्ट किए गए ताकि उनके ऑटोइम्यून कंडीशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को नापा जा सके, और ये देखा गया कि लीवर, ऑटोइम्यूनिटी और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ के लिए किए गए टेस्ट्स में आर्सेनिक एक्सपोज ग्रुप के लोग ही ज़्यादा रिस्क में थे कंपेयर टू अनएक्सपोज ग्रुप। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कंक्लूजन में क्लियरली मेंशन है कि आर्सेनिक एक्सपोजर के कारण लीवर एंड ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। और चौथा बड़ा कारण है हम जो हवा इनहेल कर रहे हैं। वो कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है उसके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं, पर हम सब उसे बस एक नॉर्मल न्यूज़ की तरह पढ़ के भूल जाते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में एक दिन सांस लेना 44 सिगरेट पीने के बराबर है। मतलब अगर आप एक दिन दिल्ली में रहोगे तो आप 44 सिगरेट के बराबर का धुआं इनहेल कर लोगे। और जो मेजर कारण है एयर पॉल्यूशन के लिए वो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बर्निंग गार्बेज, कंस्ट्रक्शन साइट्स का डस्ट, एग्रीकल्चर लैंड में फसल के बाद आग लगाना, थर्मल पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। पर चलिए, हम इस पॉल्यूशन के लिए तो अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी को गाड़ी चलाने से, इंडस्ट्री चलाने से, गार्बेज जलाने से तो नहीं रोक सकते। पर इतने पॉल्यूशन को इनहेल करने के बाद भी शायद आपकी बॉडी ट्राई करे सही से फंक्शनिंग करने के लिए। पर इतने एयर पॉल्यूशन के ऊपर से मेरे कुछ भाई सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो जो लोग पी रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि किसी के बोलने से कोई पीना छोड़ तो नहीं देगा, और शायद अभी तक पीने वालों को कोई वजह नहीं मिली है छोड़ने की। पर जिन्हें ऑटोइम्यून कंडीशन है और फिर भी वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो मैं ऑनेस्टली बता दूं, कोई भी दवा आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकती,
क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि सिगरेट स्मोकिंग करने से ऑटोइम्यून डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और जो रिसर्च पेपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि सिगरेट स्मोकिंग एक्चुअल में अफेक्ट करता है ऑटोइम्यून कंडीशन को। फुल रिसर्च स्टडी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो कर लीजिए। मैं मेन पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, बताया गया है पास्ट की रिसर्च में ये देखा गया है कि सिगरेट स्मोकिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क बढ़ा देता है। पर इस रिसर्च में फोकस किया गया है कि कितनी सिगरेट पीने से कितना रिस्क बढ़ सकता है। आगे हम पैक एयर्स का काफ़ी यूज़ करेंगे। तो पैक एयर्स एक स्टैंडर्ड है जिससे हम पता लगाते हैं कि एवरेज साल भर में कितने पैक सिगरेट कंज्यूम की गई है। पैक एयर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पैक एयर्स इज इक्वल टू पैक स्मोक पर डे इनटू एयर्स एज अ स्मोकर। मतलब पर डे कितने सिगरेट पैक स्मोक किए गए हैं मल्टीप्लाइड विद कितने साल तक स्मोकिंग की गई है। जो स्मोकर्स 1 से 10 पैक एयर्स सिगरेट पीते हैं उनको 26% ज़्यादा रिस्क है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का कंपेयर टू उनके जो कभी सिगरेट नहीं पीते। जो लोग 20 पैक एयर्स से ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको 52% ज़्यादा रिस्क है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का। पर 20 पैक एयर्स से ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोगों में और ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ता और उनका रिस्क भी 52% ही है। और कम समय तक स्मोकिंग करने वाले लोगों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो अपना रिस्क रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का। और जैसा कि आप देख सकते हैं कंक्लूजन में साफ साफ लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग पॉजिटिवली एसोसिएटेड है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। इस डायग्राम में स्मोकिंग के कारण होने वाली क्रोनिक बीमारियों और कैंसर्स को पॉइंट आउट किया गया है। जो ब्लैक कलर्ड हैं जैसे स्ट्रोक ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट स्टमक पैनक्रियास ब्लैडर वगैरह उनको काफ़ी पहले से स्मोकिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। जबकि जो रेड कलर्ड हैं जैसे लीवर डायबिटीज़ मेल सेक्सुअल फंक्शन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह उनको रिसेंटली स्मोकिंग के साथ एसोसिएट किया गया है। और मुझे 100% पता है जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बस हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है स्मोकिंग हैबिट्स। पर लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्मोकिंग ऑलमोस्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। बट स्टिल इट्स योर चॉइस गाइस। जो लास्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते और ना ही इसके बारे में कोई ज़्यादा बात करता है, वो है स्ट्रेस फैक्टर। अगर लंबे टाइम तक हम स्ट्रेस में रहें तो वो भी एक कारण है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम ही सबसे पहले एक्टिवेट हो जाता है एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। और ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से ऑटोइम्यून कंडीशन डेवलप करने का हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें स्ट्रेस को एक ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर ऑटोइम्यून कंडीशन कहा गया है। पर ये स्टडी फ्री नहीं है और इसके ऊपर कॉपीराइट इशू भी है और ये पूरी स्टडी हम फ्री में नहीं एक्सेस कर सकते। पर हमें पूरी स्टडी की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। और बाकी जिसे पूरा डिटेल में जानना है कि कब कैसे और कहाँ ये स्टडी की गई है वो प्लीज़ परचेज करके पढ़ लो। सो इसमें बताया गया है कि 50% ऑटोइम्यून कंडीशन का ट्रिगर यूजुअली अननोन होता है और फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को ऑटोइम्यून डिजीज़ का कारण समझा गया है। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ जो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स पर की गई थी और उनमें देखा गया कि कुछ स्ट्रेसर्स इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं जिसके कारण बीमारी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
पास की स्टडीज में 80% आरए पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनको अनकॉमन स्ट्रेस था बीमारी के सिम्टम्स शुरू होने से पहले, और अनफॉर्चुनेटली बस स्ट्रेस डिजीज का कारण नहीं है बल्कि डिजीज इटसेल्फ स्ट्रेस का कारण है और ये एक विशियस साइकिल है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस बीमारी का कारण है और बीमारी स्ट्रेस का कारण है, और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बढ़ावा देते रहते हैं जिसके कारण ना स्ट्रेस कम हो पाता है ना ही बीमारी के सिम्टम्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कंप्लीट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जर्नी शेयर करूंगा, और उस वीडियो में मेरे पूरे ट्रीटमेंट के टेस्ट रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बिलीव इट, यू कैन क्योर इट। स्टे स्ट्रांग एंड कीप फाइटिंग।